नमस्कार दोस्तों, भगवान शिव का स्वरूप अद्भुत है। वे व्यापक, अनादि और अनंत हैं। जहां जहां भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए, उन सभी स्थानों को ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। इस प्रकार से कुल 12 ज्योतिर्लिंग हैं। कहते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन या महिमा सुनने से व्यक्ति के पापों का क्षय होता है और अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि भगवान शिव 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में कैसे प्रकट हुए। स्वागत है आपका संस्कार टेल्स में। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है बाबा केदारनाथ। पुराणों के अनुसार सतयुग में भगवान विष्णु ने नर और नारायण के रूप में अवतार लिया था। अलकनंदा नदी के दोनों किनारों पर मौजूद नर और नारायण पर्वत पर उन्होंने घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने वर मांगने को कहा। तब नर और नारायण ने कहा कि आप इस क्षेत्र में निवास करें, जो भी भक्त यहाँ आए उसे जीवन मरण के चक्र से मुक्ति प्रदान करें। नर और नारायण की प्रार्थना पर भगवान शिव ने कहा कि यहाँ ज्योतिर्लिंग प्रकट होगा जो साक्षात शिव स्वरूप होगा। इसके दर्शन करने से शिव दर्शन करने का पुण्य प्राप्त होगा। नर और नारायण की प्रार्थना पर ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। जहां पर भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, वहां शिव भक्त राजा केदार का शासन था। राजा केदार के नाम पर ये क्षेत्र केदार खंड कहलाता था। राजा केदार और केदार खंड के रक्षक के रूप में भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग प्रकट होने के कारण भगवान शिव केदारनाथ कहलाए। आंध्र प्रदेश के श्रीशैल पर्वत पर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग स्थित है। कहा जाता है कि ब्रह्मांड की परिक्रमा में गणेश जी के विजय होने के बाद कुमार कार्तिकेय रूठकर दक्षिण में क्रौंच पर्वत पर जाकर रहने लगे। कुमार कार्तिकेय को मनाने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती भी वहां पहुंचे। उनके प्रतीक रूप में ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ जो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग कहलाया। कहते हैं कि यहाँ भगवान शिव की पूजा करने से अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर फल प्राप्त होता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है सोमेश्वर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। कहा जाता है इस सृष्टि से पूर्व भी सोमेश्वर सोमनाथ थे। शिव पुराण के अनुसार दक्ष प्रजापति के श्राप के कारण चंद्रमा का क्षय होता जा रहा था। तब चंद्रमा ने अपनी रक्षा के लिए भगवान शिव की पूजा की। इससे प्रसन्न होकर गुजरात के समुद्र तट पर सोमेश्वर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। महाराष्ट्र के पुणे से लगभग 110 किलोमीटर दूर सह्याद्री पर्वत पर स्थित है भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। इस ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति के बारे में कहा जाता है कि कुंभकर्ण की पत्नी करकटी के गर्भ से भीम नाम के एक राक्षस का जन्म हुआ था। उसने तपस्या कर ब्रह्मा जी से लोक विजय होने का वर प्राप्त किया था। वरदान मिलते ही उसने देवताओं को सताना शुरू कर दिया। पीड़ित देवता भगवान शिव की शरण में गए। तब भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और भीम राक्षस का वध कर दिया। इसके बाद ये ज्योतिर्लिंग भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस धाम को मुटेश्वर महादेव भी कहते हैं। कहा जाता है कि भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मध्य प्रदेश के उज्जैन नगरी में तालों के ताल महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। मान्यता है कि इनके दर्शन मात्र से सपने में भी डर नहीं सताता है।
प्रकट होने की कथा के अनुसार दूषण नाम का एक असुर था। उसके अत्याचार से लोग त्रस्त थे। उससे मुक्ति पाने के लिए ब्राह्मणों ने पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की पूजा शुरू की। दूषण ने ब्राह्मणों को मारने के लिए जैसे ही खड़ग उठाया, पार्थिव शिवलिंग से महाकाल प्रकट हो गए और दूषण को भस्म कर दिया। इसके बाद ब्राह्मणों ने भगवान शिव को वहीं रुकने का निवेदन किया। ब्राह्मणों के निवेदन से प्रसन्न होकर भगवान शिव वहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। ये शिवलिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कहलाया। झारखंड के देवघर में स्थित है बाबा बैजनाथ ज्योतिर्लिंग। इस ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कथा रावण से जुड़ी हुई है। दशानन रावण भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर तप कर रहा था। वो एक एक करके अपने सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ा रहा था। 9 सिर चढ़ाने के बाद जब रावण 10वां सिर काटने वाला था तो भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और उससे वर मांगने को कहा। तब रावण ने भगवान शिव से लंका में निवास करने का वरदान मांगा। भोलेनाथ ने तथास्तु कहते हुए रावण को कामना शिवलिंग दे दिया, लेकिन एक शर्त रखते हुए कहा कि अगर तुमने शिवलिंग को रास्ते में कहीं भी रख लिया तो मैं वहीं पर स्थापित हो जाऊंगा। ये दृश्य देखकर सभी देवता चिंतित हो गए। इस समस्या के समाधान के लिए सभी भगवान विष्णु के पास गए। तब श्री हरि ने लीला रची। भगवान विष्णु ने वरुण देव को आचमन के जरिए रावण के पेट में घुसने को कहा। इसलिए जब रावण आचमन करके शिवलिंग को लेकर श्रीलंका की ओर चला तो देवघर के पास उसे लघु शंका लगी। ऐसे में रावण बैजू नाम के ग्वाले को शिवलिंग देकर लघु शंका करने चला गया। इधर बैजू ने शिवलिंग धरती पर रख दिया। कहते हैं उस बैजू नाम के ग्वाले के रूप में भगवान श्रीहरि विष्णु थे। इस वजह से तीर्थ स्थान बैजनाथ धाम से विख्यात हुआ। जब रावण लौट कर आया तो लाख कोशिश के बाद भी शिवलिंग को उठा नहीं पाया। अंत में वो क्रोधित होकर शिवलिंग पर अपना अंगूठा गढ़ाकर चला गया। उसके बाद ब्रह्मा विष्णु के साथ देवताओं ने उस शिवलिंग की पूजा की। भगवान शिव के दर्शन होते ही सभी देवी देवताओं ने शिवलिंग को उसी स्थान पर स्थापित कर दिया। तभी से महादेव कामना लिंग के रूप में देवघर में विराजते हैं। भगवान शिव की नगरी है काशी। यहीं पर भगवान शिव विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजित हैं। कहते हैं कि एक बार पार्वती माता ने भगवान शिव से कहा कि वो कैलाश को छोड़कर कहीं और रहना चाहती हैं। तब माता पार्वती की इस इच्छा को जानकर भगवान शिव ने काशी में निवास करने की योजना बनाई और काशी में विश्वनाथ के रूप में प्रकट हुए। इस मंदिर का उल्लेख महाभारत और उपनिषदों में भी है। वर्तमान में बाबा विश्वनाथ धाम का कॉरिडोर बन जाने से इस धाम की दिव्यता और भव्यता देखते बनती है। लंका पर चढ़ाई करने के लिए जब भगवान राम सागर पर सेतु निर्माण करवा रहे थे, उस समय कार्य में सफलता के लिए प्रभु श्री राम ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया और विधिवत उनकी पूजा की। प्रभु श्री राम द्वारा पूजित होने के कारण ये रामेश्वर ज्योतिर्लिंग कहलाया। ये ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के सागर तट पर स्थित है। नर्मदा के पावन तट पर विंध्य पर्वत ने भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग बनाकर कई वर्षों तक अटूट भक्ति के साथ तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। ठीक उसी समय देवतागण और ऋषिगण भी वहां पहुंच गए और भगवान शिव से अनुरोध किया कि यहाँ ज्योतिर्लिंग 2 स्वरूपों में बट जाए। उनके अनुरोध पर ज्योतिर्लिंग 2 स्वरूपों में बट गया, जिसमें एक ओंकारेश्वर और दूसरा ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग कहलाया। नासिक में गोदावरी नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। शिव पुराण की कथा के अनुसार गोदावरी नदी और गौतम ऋषि की प्रार्थना पर यहाँ भोलेनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। ये एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों एक साथ शिवलिंग में स्थापित हैं। गुजरात के द्वारकापुरी से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है।
शिव पुराण की कथा के अनुसार सुप्रिय नाम का एक शिव भक्त था जिसे दारुका नामक राक्षस ने बंदी बना लिया था। बंदी गृह में भी उसने भगवान शिव की भक्ति नहीं छोड़ी। शिव की भक्ति को अपने विरुद्ध षड्यंत्र समझकर तारुक ने सुप्रिय को मारना चाहा। उसी समय भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और अपने भक्त की रक्षा की। 12 ज्योतिर्लिंगों में घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग को अंतिम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। शिव पुराण की कथा के अनुसार घुश्मा नाम की एक शिव भक्त थी। इसकी बड़ी बहन सुदेहा थी जो उसकी सौतन भी थी। सुदेहा की कोई संतान नहीं थी। एक दिन ईर्ष्या के कारण सुदेहा ने घुश्मा के पुत्र की हत्या कर दी। लेकिन घुश्मा की अटूट भक्ति को देखकर भगवान शिव प्रकट हो गए और उसके मरे हुए पुत्र को पुनः जीवित कर दिया। जैसे ही भगवान शिव घुश्मा की बहन सुदेहा को मारने के लिए तत्पर हुए, घुश्मा ने भगवान शिव से अपनी बहन सुदेहा को क्षमा करने और उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान होने की विनती की। भगवान शिव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और घुश्मेश नाम से ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। दोस्तों, 12 ज्योतिर्लिंगों से संबंधित ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही रोचक ज्ञानवर्धक जानकारियों को जानने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि रोचक जानकारी से आप हमेशा अपडेट रहें। नमस्कार।